इतने सुंदर भव्य दिव्य आयोजन में जयकारा बहुत कमजोर है। बड़े विशिष्ट माननीय अतिथिगणों का आगमन इस पावन मंच के समक्ष हुआ है, आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, आज पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं, जब कहीं राष्ट्र की बात आए, जब कहीं धर्म की बात आए, जब कहीं अध्यात्म की बात आए, जब कहीं समाज की बात आए, तब अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। और जब जब हमने आवाज में संकीर्णता दिखाई है, जब जब हमने आपको अपने आप को संकीर्ण बनाया है, तब तब हम गुलामी के जंजीरों में जकड़े गए और आक्रांताओं के पैरों तले रौंदे गए। इसलिए ध्यान रखना, बहुत दिनों के बाद यह पावन अवसर मैं आपसे प्रतिदिन निवेदन करता हूं। लगभग 5 शताब्दियों के उपरांत यह पवित्र अवसर हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है। 500 वर्षों से हमारे पूर्वजों ने केवल बलिदान पर बलिदान दिया है, अपने प्राणों की आहुति डाल दी, अपने रक्तों की आहुति डाल दी। उनका केवल एक ही सपना था कि अयोध्या धाम की पावन धरा पर, भगवान राम की जन्मभूमि पर, भगवान राम लला के कब दिव्य भव्य भवन का, मंदिर का निर्माण होगा। एक ही सपना, देखते 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 हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति डाल दी। ये सपना उनके समक्ष ना साकार हो सका, लेकिन हम सभी लोग कितने गौरवशाली हैं। वो दिन जो हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था, मानो अपने नेत्रों के द्वारा हम उस दर्शन को करके और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि समर्पित करने जा रहे हैं। ऐसा दिव्य अवसर हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है। जब अयोध्या का इतिहास पुनर्निर्मित किया जाएगा, जैसे अयोध्या का इतिहास पहला महाराज मनु से जोड़ा गया, अयोध्या नाम नगरी तत्रासीन लोक विस्तृता मनुना मानवेंद्र या पुरी निर्मिता स्वयं, महाराजा मनु के द्वारा इस नगरी का निर्माण किया गया और उनके द्वारा इस अयोध्या की पहचान बनी। यहाँ से केवल अयोध्या ही नहीं, यहाँ संस्कृति और संस्कार और मानवता सबका प्रादुर्भाव होता है, और यहीं से संस्कृति और संस्कार और मानवता और मर्यादा पूरे विश्व में अपना आलोक फैलाती है। ये अयोध्या की वही पावन धरा है, जिस पावन धरा पर हम सारे लोग इस समय उपस्थित हैं। जब इस अयोध्या का पुनरइतिहास, जैसे एक बार अयोध्या निर्माण का इतिहास महाराज मनु के खाते में गया, दूसरा इतिहास का निर्माण अयोध्या उज्जैन महाराजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज विक्रमादित्य के खाते में गया, और तीसरा हम सभी लोग इसके गौरवशाली इतिहास के साक्षी बन रहे हैं। जब अयोध्या का पुनः इतिहास लिखा जाएगा, राम जन्मभूमि का जीर्णोद्धार लिखा जाएगा, हम सभी लोगों का, भारतवासियों का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया जाएगा। मेरे भक्तों, स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया जाएगा। इस अयोध्या की पावन धरा पर एक तरफ दीपोत्सव का आयोजन अभी कुछ दिनों उपरांत आप सभी लोगों ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के कर कमलों द्वारा, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महंत योगी आदित्यनाथ जी की महाराज के नेतृत्व में उनके द्वारा आयोजित दीपोत्सव विश्व रिकॉर्ड दर्ज करा रहा, अपना नाम अंकित करा। स्वयं ऐसा रिकॉर्ड हमारी अयोध्या ने बनाया है दीपोत्सव का, जिस रिकॉर्ड को तोड़ने के विश्व के किसी भी राष्ट्र में क्षमता नहीं है। हम स्वयं रिकॉर्ड बनाते हैं और स्वयं अपना रिकॉर्ड तोड़ते हैं। हमारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला विश्व में कोई दूसरा नहीं है। जैसे हम दीपोत्सव को एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, गिनीजा बुक में हम दर्ज करा रहे हैं, विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा, वैसे अयोध्या के द्वितीय वर्ष का उत्सव सीताराम दास ओंकारनाथ मिशन के तत्वावधान में पूज्य स्वामी किंकर विठल रामानुज जी महाराज के मार्गदर्शन में और प्रियनाथ चट्टोपाध्याय इंद्राणी चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में जो ये पावन आयोजन चल रहा है। जैसे एक तरफ दीपोत्सव अपना नाम वैश्विक रिकॉर्ड में अंकित करा रहा है, वैसे एक समय आएगा ये रामोत्सव भी अपना नाम अंकित कराएगा, इसका भी नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया जाएगा। आज इसी कार्यक्रम के मध्य में इस द्वितीय वर्ष के द्वितीय दिवस के पावन बेला में मैं पूज्य महाराज श्री का आवाहन करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में पूरा आयोजन संचालित हो रहा है, परम पूज्य स्वामी किंकर विठल रामानुज जी महाराज, आप मंच पर पधारें और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें पूज्य महाराज श्री। और हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मंत्री माननीय अरुण कुमार सक्सेना जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपका आवाहन करता हूं, आप पर्यावरण वन एवं जल मंत्रालय
आप संभालते हैं और पर्यावरण ही तुम्हारा जीवन है। अभी कोरोना ने बता दिया, जब तक तुम पर्यावरण से नहीं जुड़ोगे, जब तुम पर्यावरण का संरक्षण करोगे भारत के लोगों, तो पर्यावरण तुम्हारे जीवन का संरक्षण करेगा। ऑक्सीजन का सिलेंडर खोजते हुए पूरा देश देखा गया। अब पर्यावरण के माध्यम से, वृक्षारोपण के माध्यम से हम पर्यावरण संरक्षण, माननीय अरुण कुमार सक्सेना जी माननीय मंत्री हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे अयोध्या के लोकप्रिय जनप्रिय यशस्वी विधायक माननीय वेद प्रकाश गुप्ता जी, जिन अयोध्या के सभी संतों के हृदय में, अयोध्या के सभी मतदाताओं के हृदय में, अयोध्या वासियों के हृदय में, किसी भी छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, कोई विद्यार्थी फोन कर दे, कोई संत फोन कर दे, कोई महंत फोन कर दे, किसी बड़े आदमी की फोन की जरूरत नहीं है, किसी का भी फोन चला जाए, हमारे आदरणीय अयोध्या नगर विधायक माननीय वेद प्रकाश गुप्ता जी उपस्थित रहते हैं सेवा में। आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और मंच पर आपका भी आह्वान है। आप तो नगर विधायक हैं, ये बाहर प्रांत से आए हुए जो भी लोग हैं, हमारे अतिथि हैं, इनका सबका स्वागत करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। हमारे बीच में अयोध्या जनपद के अयोध्या मंडल के प्रशासनिक अधिकारी मंडलायुक्त महोदय श्रीमान नवदीप रेड़वा साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप इस मंडल के सबसे बड़े अधिकारी हैं। माननीय कमिश्नर महोदय, आपका भी मंच पर आह्वान है, आप भी पधारें। और हमारे यहाँ लोकतंत्र की परंपरा में तो जिलाधिकारी मंडलायुक्त ही लोकतंत्र का राजा है, जिसके संरक्षण में सारे धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन संचालित होते हैं। मैं इसी कड़ी में निवेदन करूंगा श्रीमान प्रियनाथ जी चट्टोपाध्याय जी, आप जहां कहीं भी हो आप भी मंच पर उपस्थित हों। श्रीमती इंद्राणी चट्टोपाध्याय जी, आप भी मंच पर पधारें। पहले हम स्वागत स्वागत पहले स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, फिर माननीय गढ़ों के वाणी के द्वारा हम विचार श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम स्वागतोपरांत हम अयोध्या नगर विधायक आदरणीय श्रीमान वेद प्रकाश गुप्ता जी से आग्रह करेंगे कि आप इस नगर के विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, बाकी सारे लोग हमारे अतिथि हैं, इनका सबका स्वागत सम्मान हमारा नैतिक कर्तव्य है, हम सभी लोग करेंगे। लेकिन पहले आयोजकों के द्वारा आप सभी अतिथिगणों का स्वागत अभिनंदन वंदन, आप सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करेंगे जो जहाँ बैठे हैं। बड़ी सुंदर चर्चाएं आप सभी, मैंने आपसे निवेदन किया था, रामायण हमारे सनातन वैदिक धर्म का, हमारे सनातन हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे जीवन को स्पर्श करता है। हमारे समाज की व्यवस्था क्या है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या हैं, आचार संहिता क्या है, ये सब रामचरितमानस एवं रामायण में अंकित है। रामायण की जो आचार संहिता है, रामायण की व्यवस्था है, वही हमारे लोकतंत्र और भारतीय संविधान में उसी का निर्वहन और पालन किया जाता है, जिसे हम आचार संहिता के रूप में जानते हैं। जो हमारे आचार्यों का बनाया हुआ निर्देशन है, जो हमारे आचार्यों की बनाई हुई मर्यादा है, जो हमारे आचार्यों की बनाई हुई लक्ष्मण रेखा है, उसी को हम आचार संहिता कहते हैं। यानी हम अपने आचरण के दायरे में कैसे रहेंगे, मर्यादा में कैसे रहेंगे, ये हमारे रामायण के द्वारा हमें संदेश मिलता है। अभी अभी आप लोगों ने पावर पॉइंट के माध्यम से आप सभी लोगों ने देखा होगा, कलकत्ता से पधारे आदरणीय डॉक्टर आशीष चटर्जी जी ने कितना सुंदर रामायण के द्वारा उपयोग किए गए मठ मंदिरों में जो भी प्लास्टर के द्वारा हैं या जैसे भी जो भी आकृतियां कलाकृतियां दिखाई गई हैं, उनका सबका संग्रहण करके फोटोग्राफी के माध्यम से हम सभी को आपने दर्शन कराया। हमारे अयोध्या की पावन धरा नए नए स्वरूपों में अपने आप को समेटती हुई, सजती हुई अयोध्या, समर्थी हुई अयोध्या, निखरती हुई अयोध्या में बैठे हुए लोगों, इस बात का ध्यान रखना। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, आज पुनः निवेदन कर रहा हूं, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ में बड़े बड़े कटआउट लगे होते हैं, वहां लिखा होता है लखनऊ आने वाले लोगों मुस्कराइए कि आप लखनऊ में हैं। और मैं कहता हूं इस पावन प्रांगण में, इस रामोत्सव के दिव्य महोत्सव में सम्मिलित आप सभी श्रद्धालु भक्त माताएं बहने, आप मुस्कराइए तो सही, लेकिन खिलखिलाइए कि आप अयोध्या में हैं, आप खिलखिलाइए, ठहाका लगाकर हंसिए कि आप अयोध्या में हैं। और ऐसी अयोध्या में आहा, जिन अयोध्या ने क्या क्या देखा, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पुरी अयोध्या,
ये कोई साधारण अयोध्या नहीं है। हमारा जहां तक विवेक काम करे, हमारे जहां तक विचार काम करें, वहां तक ये अयोध्या की पावन भूमि है। हमारे अतिथि गणों का स्वागत सम्मान हुआ, आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे अतिथि बंधुओं का। मैं इसी श्रृंखला में निवेदन करूंगा, आदरणीय माननीय विधायक महोदय अयोध्या नगर, आप पधारें और अपने शब्दों के माध्यम से हमारे आए हुए अतिथियों का, माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। अल्प समय में माननीय विधायक महोदय, आज अयोध्या की इस पावन भूमि पर आयोजित श्री राम महोत्सव अपनी अलग छठा निखार रहा है। दीपोत्सव के बाद जैसा अभी हमारे स्वामी जी ने बताया कि दीपोत्सव के बाद ये दूसरा बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है कि ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है, और इस मंच पर हमारे बीच उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही लोकप्रिय मंत्री जो बरेली से विधायक हैं, माननीय अरुण कुमार सक्सेना जी, वन और पर्यावरण मंत्री, उनका भी इस अयोध्या की पावन नगरी में मैं स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित स्वामी विट्ठलनाथ जी, रामानुज जी, जो इस कार्यक्रम को लगातार 3 वर्षों से करा रहे हैं, और ये ओंकारनाथ मिशन के माध्यम से अयोध्या में ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, उनका भी चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बहुत ही कर्मठ और बहुत लगनशील मंडलायुक्त महोदय अयोध्या भी मंच पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। उन्होंने अभी अयोध्या में लगातार जब से आने के बाद में अयोध्या के विकास में, अयोध्या के किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या को सजाने का संवारने का काम कर रहे हैं, उन सब कार्यक्रमों में, उन सब अयोध्या के कार्यों में विशेष रुचि लेकर अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी बनाने का जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का निर्णय है कि अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बने, माननीय मोदी जी का संकल्प पूरा हो, उसको करने में माननीय हमारे आदरणीय मंडलायुक्त महोदय, अभी मेला आपने देखा, कम से कम 40 लाख की भीड़ थी इस पैकर्मा में, 14 कोसी में, और 5 कोसी पैकर्मा में भी मैं समझता हूँ कम से कम 25 से 30 लाख श्रद्धालु पधारे थे। तो ये ऐतिहासिक अयोध्या में लगातार प्रभु राम का दिव्य भव्य राम मंदिर बनने के साथ साथ ये ऐतिहासिक अयोध्या भी बन रही है। पूरे विश्व के लोग अयोध्या आना चाहते हैं, और मैं अयोध्या के विधायक के रूप में मुझे सेवा का अवसर मिला है, मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूँ, अपना जीवन धन्य मानता हूँ कि मुझे उस समय अवसर मिला है अयोध्या की सेवा करने का विधायक के रूप में, जब इस देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी हैं, जिनका अयोध्या के प्रति लगाव और अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी बनाने का संकल्प जिन्होंने किया है, और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो संत भी हैं, महंत भी हैं, और इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस प्रदेश को आखिरी पायदान से पहुंचाकर पहली पायदान पर लाने का काम हर क्षेत्र में किया है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में नेतृत्व में मुझे इस अयोध्या की सेवा करने का अवसर मिला है। और यह अयोध्या जिसके बारे में प्रभु श्री राम ने लंका विजय के बाद लौटते वक्त अयोध्या के ऊपर जब प्रभु पहुंचते हैं तो उनके साथ सुग्रीव, हनुमान, अंगद ये सब लोग साथ थे, तो उन्होंने अयोध्या का वैभव और ऐश्वर्य और अयोध्या की महिमा का वर्णन खुद प्रभु श्री राम ने अपने मुखारविंद से किया है। उन्होंने कहा था, सुन कपीश अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिरिय देशा, जद्दब सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवध पुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बे सरजू पावन,
जा मज्जनते बिने ही प्रयासा मम समीप नरपाविवासा अति प्रिय मोह यहाँ के वासी मम धामदा पुरी सुख राशि। ऐसे प्रभु श्री राम ने इस अयोध्या का वर्णन किया। उन्होंने इसको वैकुंठ से भी ऐश्वर्यपूर्ण नगरी के रूप में कहा और बताया निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इस समय में कार्यकाल में अयोध्या में विश्व स्तरीय अयोध्या बन रही है और साथ ही प्रभु राम का दिव्य भव्य राम मंदिर बन रहा है। और निश्चित रूप से मैं स्वामी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने श्री राम महोत्सव के माध्यम से अयोध्या की गरिमा में अयोध्या के निरंतर निरंतर जिस तरीके से अयोध्या के में कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें एक मील का पत्थर ये श्री राम महोत्सव भी साबित होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो आयोजक हैं बंटो उपाध्याय जी, चट्टोपाध्याय जी और जितने आयोजक गण इस स्थान से इस ओंकारनाथ मिशन से जुड़े हैं, जो लगातार मैं देख रहा था कई दिनों से मैं आ रहा हूँ, लगातार लगातार मेहनत के साथ निष्ठा के साथ समर्पण के साथ इस अयोध्या में इस ऐश्वर्यशाली कार्यक्रम को वैभव के साथ कराने का काम कर रहे हैं, उन सबको हृदय से बहुत बहुत आभार धन्यवाद। आए हुए सभी हमारे श्रद्धालु दर्शकगण अयोध्यावासी उनको भी सादर नमन वंदन अभिनंदन करता हूं। और विशेष रूप से मैं अपने माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा, आज वो सुबह ही अयोध्या पधारे हैं और लगातार कई कार्यक्रमों में आपने यहाँ अपनी भागीदारी की, अपना आशीर्वाद दिया और हम लोगों के बीच वो आए श्री राम महोत्सव में, उसके लिए उनके हृदय से आभार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय के द्वारा।